हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर व्हेन वेयर हाउ, जो कि क्लास 8 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू सर्टेन डेट्स गेट इम्पॉर्टेंस टू द हिस्ट्री। हिस्ट्री में कुछ डेट्स को इम्पॉर्टेंस क्यों दी जाती है? जैसा कि आप सभी जानते हैं, डेट्स सिग्निफाइज एरास, helps to maintain chronological order of important events and tells about relationship of different incidents. Different eras का बताती हैं dates कि कौन से time में क्या incident हुआ, chronological order में उसको maintain करके रख सकते हैं, पहला incident कब हुआ, उसके बाद कौन सा incident हुआ, और उन incidents के बीच में relation बताती है कि कौन से incident के बाद कौन सा incident हुआ और क्यों। Next question है, हिस्ट्री इज़ डिवाइडेड इंटू डिफरेंट टाइम पीरियड्स, वट इज़ द लॉजिक बिहाइंड डूइंग सो। हिस्ट्री को डिवाइड करने के पीछे कारण क्या है? आंसर है, टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ हिस्ट्री, कि हर एक पार्ट का इम्पॉर्टेंस जानने के लिए उसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एंशियंट पार्ट में, एंशियंट टाइम में क्या इम्पॉर्टेंस थी, या मीडिएवल टाइम की क्या इम्पॉर्टेंस थी, या फिर मॉडर्न टाइम की क्या इम्पॉर्टेंस थी, इन सब को जानने के लिए उसे डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ कॉलोनाइजेशन, कॉलोनाइजेशन का क्या मतलब है, क्या है कॉलोनाइजेशन? आंसर है, टू ब्रिंग पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल चेंज इन अ कंट्री बाय अदर पावरफुल कंट्री, मतलब कि किसी दूसरी पावरफुल कंट्री के द्वारा पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल चेंज लाना किसी दूसरी कंट्री में। जैसे कि इंडिया में ब्रिटिशर्स आए और उन्होंने इंडिया के अंदर पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल चेंज किए। ऑफ कोर्स वो अपने बेनिफिट के लिए करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द पर्पस बिहाइंड सेटिंग अप रिकॉर्ड्स इन एडमिनिस्ट्रेशन, कि एडमिनिस्ट्रेशन में रिकॉर्ड सेटअप करने का क्या रीज़न था, ब्रिटिशर्स जो है रिकॉर्ड्स मेंटेन करते थे क्यों? तो इसका आंसर है, ब्रिटिश ऑफिशियल्स बिलीव दैट रिकॉर्ड्स इनेबल अस टू मेंटेन क्लैरिटी, कि रिकॉर्ड्स से क्लैरिटी रहती है। कोई भी हम ऑर्डर पास करते हैं या कोई रूल बनाते हैं तो वो उसकी क्लैरिटी रहती है। और सेकंड पॉइंट क्या है, इट कैन बी यूज्ड एज रेफरेंस ड्यूरिंग डिस्प्यूट्स, अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, तो उसमें रेफरेंस की तरह से हम उस रिकॉर्ड को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, Why surveys become important? ब्रिटिशर्स ने सर्वेस करवाए तो वो सर्वेस क्यों करवाए, क्यों इम्पॉर्टेंट थे, क्या इम्पॉर्टेंस थी उनकी? तो आंसर है, ब्रिटिश ऑफिशियल्स बिलीव दैट इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन इज़ पॉसिबल ओनली आफ्टर प्रॉपर नॉलेज ऑफ द कंट्री, कि जब तक हमें उस कंट्री की प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी कि उसका एरिया कितना है, उस कंट्री में कितने क्या कितनी पॉपुलेशन है, तब तक उसको एडमिनिस्ट्रेट करना पॉसिबल नहीं है, अच्छे से उसको एडमिनिस्ट्रेट नहीं कर सकते। तो इसी पर्पस से उन्होंने ये सर्वेस करवाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू ऑफिशियल रिकॉर्ड्स नॉट टेल अस, कि ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हमें क्या नहीं बताते? आंसर है, रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल अस अबाउट सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ कॉमन मैन एंड वुमन ऑफ दैट पर्टिकुलर पीरियड, कि उस पर्टिकुलर पीरियड में जो कॉमन मैन था उसकी लाइफ में, उसकी लाइफ कैसी थी, उसके बारे में कोई रिकॉर्ड नहीं होता। क्योंकि रिकॉर्ड जो भी होते हैं, या तो नोबल जो पीपल होते हैं उनके होते हैं, या कोई ऑफिशियल रूल होता है उसका होता है, कॉमन मैन की लाइफ का कोई नहीं होता, ठीक है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। बाय बाय।